वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रत्याशी राजेश जी। सर, किस तरह देखते हैं इस बार का चुनाव आप, क्योंकि उदित राज भी अब कांग्रेस शामिल? चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अभी चेक कर लिया। 5 साल परेशान रहा व्यापारी, दलित, मुस्लिम, हर वर्ग परेशान रहा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी करी, कमर तोड़ दी, उसके बाद में गलत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST लेकर आए और सर फोड़ दिया व्यापारियों का, उसके बाद में सीलिंग करके तो सारे दरवाजे उनकी आमदनी के बंद कर दिए। तो इस चीज़ों से परेशान होकर जो व्यापारी वर्ग आज कांग्रेस की तरफ आ रहा है, तो कांग्रेस उनको एक विश्वास दिलाना चाहती है कि हम ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसके अंदर उनको सीलिंग से निजात मिल सके। दिल्ली देहात का एरिया है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर जिस तरीके से किसान लोग रहते हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो लेकर आए कांग्रेस पार्टी का, वो सारे मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर किसानों के को राहत देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। 4 या 5 साल से लगातार वोटर्स या जनता दिल्ली की नाराज और कंफ्यूज रही है, क्योंकि किसी काम के लिए जाओ तो उनको MCD भेजा जाता है, MCD दिल्ली सरकार, दिल्ली केंद्र सरकार। तो इस चीज़ से कैसे निजात पाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी सरकार में रही 15 साल, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमारा कोई काम रुका नहीं। देखिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी के पास में एक्सपीरियंस है। केजरीवाल साहब सिर्फ बहाने ढूंढते हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी बहाने ढूंढती है क्योंकि उनको काम नहीं करना। मुद्दे जो हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे, वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, ना भारतीय जनता पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी ने। तो अब वो ध्यान भटकाने के लिए वो स्टेटहुड का मुद्दा लेकर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की राजनीति करते हैं, और जो असली मुद्दा है रोज़गार का, उसके ऊपर जो उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे, वो पूरा नहीं किया उन्होंने। तो ये बहुत सारी चीज़ें, महिला सुरक्षा देने की दोनों ने बात की थी, नहीं दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी महिला सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, और हम उसके लिए एक इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित एक महसूस करने के लिए एक साधन होगा। सर, आम आदमी पार्टी का आरोप है अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगर गठबंधन हो जाता तो बीजेपी सातों के सातों सीट हार जाएगी, और कहीं उसी तहस में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत जाती सबसे बड़ा कारण कांग्रेस होगी, तो किस तरह देखिए, मैं केजरीवाल की किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनके बड़े खुद ही बहुत कन्फ्यूज हैं। कभी वो कहते हैं, उनका सर्वे ये बोलता है कि वो सातों सीटें जीत जाएंगे, जब उनका सर्वे कहता है सातों सीटें जीत जाएंगे, तो गठबंधन के लिए कांग्रेस के दरवाजे पे क्यों गड़गड़ा रहे थे, क्यों घुटनों के बल बैठ के बार बार बोल रहे थे मुझसे गठबंधन कर लो, मुझसे गठबंधन कर लो। ही इज़ अ कन्फ्यूज पर्सन एंड ही इज़ कन्फ्यूजिंग द पीपल ऑफ दिल्ली ऑल्सो। तो मेरा बड़ा साफ ये है कि हम किसी भी तरीके का गठबंधन के लिए उनसे नहीं चाहते, और भविष्य के अंदर भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और अकेले ही कांग्रेस सरकार बनाएगी 2020 में और सातों की सातों सीटें जीतेगी अभी इस पार्लियामेंट में। सर, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी में हंसा? हाँ, नहीं, देखिए, इन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन में आने के लिए, तो पहले आपको जो प्रोमिस आपने किए थे उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो तब आप चुनौती में आएंगे। हमारे पास तो, हम तो खुला चैलेंज करने, हमने 15 साल काम किया था, विकास किया था, वो हमारी ताकत है, हम वो लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इन लोगों को प्रूफ करना है कि इन्होंने पिछली बार जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, तो वो एक झूठे साबित हो गए, तो लोगों को फिर दोबारा से इनको विश्वास में लाना पड़ेगा, फिर और बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा ताकि लोगों को फिर दोबारा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो अब लोग डिसाइड करेंगे कि इनके झूठ में दोबारा आना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे राजेश जी, जो सच और झूठ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ पंकज वानखड़े, नवतेज TV।